तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। और दोस्तों देखिए, पूरा आग लग चुका है अभी, और हम जा रहे हैं दुकान। और मिट्टू को बोली लेते हैं बाहर, धूप सेकेगा थोड़ा। दुकान खुल चुका है। बोली बा, बोली उधर उधर बोली बा। हाँ दोस्तों देखिए, दुकान में आ गए हैं, दुकान खोल भी दिए हैं। और बच्चे मेरे बाहर खेल रहे हैं, धूप सेकने के लिए जाते हैं, पर धूप अभी तक निकला नहीं है। और तो दोस्तों आज तो कुर्सी बाहर निकाल नहीं पाए, क्योंकि कल पापा गुस्सा हो रहे थे कि तोड़ दिया बोलकर। तो एक एक निकाल कर मैं ही बैठ जाऊँगा चुपचाप से, तो बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग के घर में झगड़ा हो गया। और हम तीनों में बहुत झगड़ा हो रहा है। ले और देखा साला, अभी डोरे चलो ना। तो बहुत झगड़ा हुआ। जिसके लिए झगड़ा हुआ वो उधर चिल्ला रहा। तो दोस्तों अभी 10:30 बज रहे हैं, सॉरी 11 बज रहे हैं, और भूख संभाले नहीं पाए। तो देखिए हमें यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में देखिए क्या है, मुढ़ी मिक्सर और चीनी पानी मिला के थोड़ा खा रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही भूख लगा मेरे को। माफ करो। तो बने रहिए दोस्तों, नाश्ता करते हैं पहले। हे दोस्तों, अभी रात के 9 बज रहे हैं। आज मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं पाया वीडियो, कुछ दिखा नहीं पाया, क्योंकि एक दोस्त लोग एक्चुअली मेरा मोबाइल ले गए थे छिपा के। तो जिस टाइम मुझे कुछ शूट करना था, तो उस टाइम मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, तो मैं इसको दिखा नहीं पाया। अब दोस्तों अभी 9 बज रहा है, कोई नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर आगे सेक रहा था, पर आज कोई नहीं है यहाँ पे। अभी जब था यहाँ पे भाग गया। तो मैं भी अभी दुकान और कुछ देर बाद बंद कर दूँगा। अब दोस्तों मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर दूँ, क्योंकि मेरा चैनल है एक कुछ और के लिए, और मैं कर कुछ और रहा हूँ। शायद इसीलिए मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो वायरल नहीं, मतलब व्यूज़ नहीं आ रहा चैनल पे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। शायद इसी चक्कर में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जिस चीज़ को मैंने सोचा था कि मैं इस चीज़ इस चैनल पे मैं छोड़ूंगा बोल के, मैं वही चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ इसको, और इसमें मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो शायद इसी चक्कर में मेरा ये इसमें व्यूज़ और ये नहीं आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसका नाम चेंज कर दूँ, और इस चैनल को सिर्फ ब्लॉग, इस चैनल पर सिर्फ ब्लॉग ही छोड़ूँ, इसमें सिर्फ ब्लॉगिंग ही करूँ। और जो मेरा शॉर्ट फिल्म सब है, शॉर्ट फिल्म हो गया, लव स्टोरी है, उसके लिए मैं एक अलग चैनल बनाऊंगा सोच रहा हूँ। पर अभी तक सोचा नहीं कि क्या नाम से बनाऊं, तो अभी तक सोच रहा हूँ बस। अभी मैं इसको चेंज करना पड़ेगा, इसका नाम भी नहीं सोचा कि क्या नाम करूँ। ये नाम तो ही रहेगा, सिर्फ ब्लॉग लगा दूँगा लास्ट में। तो वही सोच रहा हूँ कि देखते हैं। मुझे बस यही डाउट है कि इसमें मेरा एक्चुअली ये जो मेरा बैनर भी लगा हुआ है इसमें, शॉर्ट फिल्म का, स्टोरीज का, और मैं छोड़ रहा हूँ इसमें ये सब चीज़ डेली व्लॉग। तो शायद इसी चक्कर में कोई हर कोई कंफ्यूज हो जाता होगा मेरे चैनल को लेके, कि ये चैनल है किस चीज़ का और ये छोड़ क्या रहा है। तो शायद इसीलिए व्यूज़ और ये सब्सक्राइबर आ नहीं रहे। तो मैं सोच रहा हूँ इसको चेंज ही कर दूँ, बहुत जल्द चेंज करूँगा। और जो सोचा था कि इस चैनल पे मैं अपना सब कुछ, यहाँ पे जो शॉर्ट फिल्म है वो सबको यहाँ पे छोड़ूंगा,
वो सब तो अभी नहीं हो पा रहा, मुझे बहुत बहुत समय लग रहा है, क्योंकि लग रहा है समय पैसा के चक्कर में। और अगर मैं दूसरा चैनल खोलता हूँ तो जो भी शॉर्ट्स में होगा मेरा, वो सबको मैं उस चैनल पे छोड़ूंगा और इसमें सिर्फ ब्लॉगिंग ही करूँगा, मैंने अभी ऐसे सोचा है। तो देखते हैं मैं अभी क्या नाम से रखूँ या खोलूँ और एक चैनल को। अगर आपको भी अगर सोचता है कोई नाम मेरे ही नाम से जो शॉर्ट्स फिल्म का, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, ताकि मैं उसी हिसाब से अपना चैनल खोल सकूं, या तो कुछ भी सुझाव दें मैं खोलूं या ना खोलूं दूसरा। क्योंकि एक ही चैनल पे अगर मैं शॉर्ट्स फिल्म और ये व्लॉगिंग भी करूं तो शायद ये अच्छा नहीं होगा, शायद गाइडलाइन के ख़िलाफ़ ही होगा ये वाला चीज़। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरे ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे शायद, कि ये क्या चैनल क्या है पता नहीं चल रहा है, इसमें कुछ कभी कुछ तो कभी कुछ छोड़ देता है, ऐसे शायद सोचने लगेंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल को मैं अभी ब्लॉगिंग के लिए ही छोड़ दूँ, इसको मैं ब्लॉगिंग करूँ इस चैनल पर। और जो शॉर्ट फिल्म है अभी बहुत इसी महीने में मेरा शूट होने वाला है एक्चुअली, तो उस वीडियो को मैं एक नए चैनल पर छोड़ूँ, भले उस चैनल पर मेरा वीडियो बहुत लेट से आए, भले 3 महीना 4 महीने के बाद एक वीडियो आए, पर सोच रहा हूँ कि मैं वो जो चैनल रहेगा उसमें सिर्फ वही स्टोरी सब छोड़ूंगा, और जो ब्लॉग वीडियो होगा वो सब इसी में छोड़ूंगा। तो आपको क्या लगता है, मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप में से जितना भी देखते हैं, 2-4 आदमी जो भी देखते हैं मेरा वीडियो, प्लीज़ आप ही लोग बताइए। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ या ना करूँ, इसलिए मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा। मुझे लग ही रहा है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरा मेरे चैनल का बैनर एक अलग चीज़ के लिए है और मेरे छोड़ रहा हूँ इसमें अलग चीज़। अभी तक कुछ ऐसा वीडियो इस चैनल पे आया नहीं है जिससे सोच कर मैं ये चैनल खोला था, ऐसे कुछ अभी तक वीडियो आया नहीं है, इसीलिए शायद मेरा चैनल में अभी कोई ये नहीं आ रहा। तो आप ही लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, दूसरा चैनल खोलूँ या ना खोलूँ, तो प्लीज़ बताइएगा। और दोस्तों अभी 9 तो बजने वाला है, अभी फिर दुकान बंद करने जाना है, और आज सुबह से मैंने एक्चुअली खाना नहीं खाया, सब्जी वब्जी के चक्कर में पपीता हुआ था तो सुबह से खाना नहीं खाया था, सुबह मूढ़ी खा गया था और दोपहर में एक पेटिस खाया था, तो भूख लग रहा है बड़ी ज़ोर। इतना खाने वाला इंसान को इतना मिलेगा तो क्या होगा, तो भूख बड़ी ज़ोर लग रहा है। अभी भी शायद कुछ है नहीं, अभी दाल है शायद, तो अभी दाल के साथ खा जाएंगे जैसे तैसे। दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा मैं दूसरा चैनल खोलूँ या ना खोलूँ, अगर खोलूँ तो कैसे किस नाम से खोलूँ। पर अगर मैं दूसरा चैनल खोलता हूँ तो उस चैनल पे बहुत 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 लेट से ही वीडियो आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी उतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। मैं इसी वीडियो का जो अभी शूट होने वाला है मेरा, उसके लिए मैंने बहुत बहुत जमा करना पड़ रहा है, पिछले 6-7 महीने से मैं पैसा जमा कर रहा हूँ इसके लिए, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है पैसा जितना चाहिए होगा, शायद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चाहिए, पर मेरे पास उतना है और नहीं रहा पैसा। फिर भी मैं करूँगा इस चीज़ को और इसी महीने ही करूँगा, और आपको ज़रूर मैं देखने के लिए मिलेगा। और शायद ये वाला वीडियो जो आएगा वो मेरा इस चैनल पे नहीं आएगा, क्योंकि ये चैनल ब्लॉगिंग के लिए हो गया है, और वो जो चैनल आएगा, वो वीडियो जो आएगा मेरा शॉर्ट फिल्म जो आएगा, वो वाला आएगा मेरे नए चैनल पर मेरे हिसाब से। देखते हैं तब तक मैं क्या चैनल बना रहा हूँ, और उस चैनल पर उम्मीद करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और मुझे अपना प्यार देंगे। और उस चैनल खोलने के बाद शायद मेरे पास आदमी सब्सक्राइबर ज़्यादा आएंगे, मेरा उम्मीद ऐसे ही है, क्योंकि मैं उस चैनल पे ऐसे कुछ इधर उधर कर नहीं छोड़ूंगा, जो ब्लॉगिंग होगा इसी चैनल पे आएगा, और जो शॉर्ट फिल्म होगा या कुछ स्टोरी पिक्चर फिल्म होगा वो उस चैनल पे आएगा। तो सपोर्ट करिएगा दोस्तों, और प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या करूँ मैं, दूसरा चैनल बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो प्लीज़ बताइएगा। और दोस्तों अभी बने रहिए, और कुछ देर बाद मैं दुकान बंद करने वाला हूँ, आज तो कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया, तो प्लीज़ बने रहिएगा। कस्टमर आ गए हैं देखिए। है दोस्तों 10 बज गया है और अभी हो गया है दुकान बंद करने का टाइम, और मैं जा रहा हूँ दुकान बंद करके, देखिए। तो चलिए चलते हैं, आज का हो गया और मेरा अंडा भी खत्म हो गया रे बाबा,
ओके सॉरी। तो दोस्तों आज का हो गया, अब चलते हैं घर, खाना वाना है क्या है देखते हैं, उसके बाद खाना खा के सो जाना है। तो चलिए चलते हैं, दुकान पूरी तरह से बंद है, तो चलो ये दुकान बंद करेंगे, ये चलेंगे घर, मतलब घर ही में तो हैं। तो दोस्तों हो गया आज का दुकानदारी और हम जा रहे हैं घर। सब सो गया है, खाना वाना खा के सब सो चुका है, पिताजी अभी टीवी देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए सब सो गया है अभी, और मैं ये खाना खाने के लिए बैठ गया, तो पानी गर्म कर लिया, खाना लिया, सिर्फ इसको अभी कच्चा टमाटर है तो इसको मैं अभी मिक्सचर के साथ ये कर देता हूँ, उसके बाद खा जाऊँगा। सुबह से आज भात खाया नहीं था तो भूख ज़्यादा ही लग रहा था, मुढ़ी में खा क्या हो जाता है, मुढ़ी खाने से क्या पेट भरेगा। तो देखिए दोस्तों ये मेरा सब्जी तैयार हो गया, देखिए कैसे दिख रहा है। तो दोस्तों अभी अरे दाल तो बहुत ठंडा है। तो दोस्तों खाना खा के अभी सो जाना है बस। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर नए आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबा दीजिए। और दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय और जय श्री राम।